subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. Thank you so much for the compliment. पिशाची नहीं है ही ऐसी, उसे खूबसूरत लगना अच्छा लगता है, ड्रेसअप करना अच्छा लगता है. शी थिंक शी इज़ द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, शी इज़ अ अल्टीमेट जीवा. तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. हालांकि रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन ऐसे इमेजिन करना, इस शो में काफ़ी कुछ इमेजिन करना पड़ता है. तो आई एम एन्जॉइंग इट, आई एम हैविंग अ ब्लास्ट. पिशाचिनी का जो कैरेक्टर है वो है तो एंटैगनिस्ट है शो की, और बहुत ही डार्क एंटिटी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी वेरी डार्क इनसाइड. उसे किसी की खुशी से और या गम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनी पड़ी है. उसे जो चाहिए वो उसे मिलनी चाहिए और वो लेके रहेगी, हासिल करके रहेगी. लेकिन एट द सेम टाइम उसके तरीके बहुत एंटरटेनिंग होते हैं. वो एकदम आईब्रो, एक आईब्रो ऊँचा करके ऐसे डायलॉग नहीं बोलती है, और बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से, कूल स्मूथ तरीके से, बहुत ही सैसी है और बहुत ही एकदम अपना काम करके निकल जाती है. आई लव दैट अबाउट पिशाचिनी. वेल ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और बहुत नर्वस भी हूँ मैं, क्योंकि ऐसा किरदार कभी अटेम्प्ट नहीं किया है मैंने. तो मैं बस चाहती हूँ कि लोग जब मुझे देखें और मैं भी खुद जब अपने आप को देखूँ तो खूब एंटरटेन हूँ. मेरा बेसिक, मैं लॉजिक्स में नहीं जा रही हूँ कि हाय कोई कैसे क्या सोचेगा, क्योंकि आप जबकि नॉर्मल शो करते हो यू ट्राई टू इमेजिन योर सेल्फ इन अ सिचुएशन लाइक दिस, लेकिन इसमें तो मैं वो भी नहीं कर सकती. तो आई एम जस्ट फॉलोइंग द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड दे आर हेल्पिंग मी अ लॉट. मुझे जब फ़ोन आया आई वॉज लाइक आर यू श्योर, आई मीन मेरे लिए यू वॉन्ट मी टू डू सच अ रोल. तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आइए, हम मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एक लुक टेस्ट करेंगे ये वो. तो आई सेड ओके, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक अबाउट इट. क्योंकि अपने आप को ऐसे किसी किरदार में विजुलाइज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट था. मुझे लगा पता नहीं डायलॉग्स किस तरीके के होंगे, बहुत टिपिकल होंगे. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, आप आके देखो, इट इज़ वेरी टुडेज़ डायलॉग, शी स्पीक्स लाइक अ नॉर्मल, जैसे लोग बात करते हैं एंड ऑल दैट. सो आई केम एंड आई फाउंड दैट बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल ईविल कैरेक्टर है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ सो थरली एंटरटेनिंग. सो आई सेड या आई मस्ट ट्राई इट. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कोई जो पिछले किरदार भी किए वो ऐसा कुछ सोच के नहीं किया है कि मैं आई एम ट्राइंग टू यू नो, मैं कुछ लोगों को सीख दे रही हूँ. और इस किरदार में भी ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ सीख दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. एज एन एक्टर आई थिंक एक चैलेंज था जो मैंने लिया है, और सिंपल, आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल. बहुत ज़्यादा भी मैं सोचना पसंद नहीं करती हूँ, देन यू स्टार्ट टू यू नो, आप अपने माइंड में अपने आप को ही कन्फ्यूज़ करते हो. तो ऐसा ये जब किरदार आया है, पॉजिटिव रोल्स भी पहले आते थे, तो आई थिंक आई वॉज़ वेरी लकी कि मैंने इतने सारे प्रोटैगनिस्ट का रोल किया. एंड आई अगेन थिंक आई एम वेरी लकी कि एंटैगनिस्ट का रोल कर रही हूँ मैं. आई एम गेटिंग टू ट्राई सो मच, बिकॉज एंटैगनिस्ट एक्चुअली बहुत डायनामिक होता है, बहुत ज़्यादा. एंटैगनिस्ट जितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो, प्रोटैगनिस्ट उतना ही उठ के आता है, आई बिलीव. हाँ, शाचिनी का सफ़र तो अभी शुरू ही हुआ है, और हम रोज़ कुछ नया नया नुआंस ऐड करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, ताकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ना लगे. लेकिन हाँ, इट्स हार्ड वर्क एवरी डे, और मुझे खूब मज़ा आ रहा है. मैं रो नहीं रही हूँ, दूसरों को रुला रही हूँ. आई लव इट. ओ बाबा, जब मुझे स्टंट्स करने पड़ते हैं इसके साथ, एक एक चीज़ें चुभती हैं यहाँ वहाँ, कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ कहीं से अटक रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट है. और पर कर लेते हैं, करना है तो करते ही हैं, लटका देते हैं कभी कभी. तो आप बाथरूम नहीं जा सकते, खा नहीं सकते, कुछ चुभ रहा है, मेकअप टचअप नहीं हो सकता, यहाँ से कुछ निकल रहा है, वहाँ से कुछ निकल रहा है, तो यू बहुत अलर्ट रहना पड़ता है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली. मुझे नहीं पता. यहाँ मैं टेलीविजन में सब कुछ कर रही हूँ, एंड आई एम डूइंग मच मोर देन व्हाट यू नो बॉलीवुड में आपको करने मिले, आई गेस. सो आई एम लविंग माय स्टिंट ऑन टेलीविजन. देखो,
मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दिव्य दृष्टि प्लीज़ देखना 23 फरवरी से शाम को 7 बजे। बहुत ही मज़ेदार शो है, हमने बहुत मज़े लेकर इसको बनाया है और बनाते रहेंगे, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ देखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। मेरे दो फेवरेट ज्वेलरी हैं इस गेटअप में, एक तो मेरा ये नोज़ पिन, ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है, और दूसरा मेरा ये जो है कमर का जो छल्ला है, छन छन आवाज़ करता है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो ये दो है जो मुझे बहुत पसंद है।